नमस्कार साथियों, कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए रिजल्ट एक्सेल शीट में जब हम मार्कशीट टेप को क्लिक करते हैं और उसमें नीचे एक सूचना दिखाई देती है जिसमें यह लिखा होता है, यदि आप मार्कशीट में बारकोड इंसर्ट करना चाहते हैं तब पहले आप अपने कंप्यूटर में बारकोड 39 इंस्टॉल करें, इसके बाद नीचे दी गई बटन पर क्लिक करें। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये बारकोड क्या है। जब भी आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं जो पैक्ड रहता है तो उसके पीछे कुछ इस तरह की काली और सफ़ेद रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं। रेखाओं के इन समूह को बारकोड कहा जाता है। बारकोड किसी प्रोडक्ट की सूचना लिखने का एक तरीका है। यह नंबर और लाइन के फॉर्मेट में रहता है। बारकोड को बारकोड स्कैनर द्वारा स्कैन कर पढ़ा जा सकता है। मोबाइल में बारकोड स्कैनर अथवा स्कैनर ऐप डाउनलोड कर और उसे स्कैन कर इसे पढ़ा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी एक्सेल रिजल्ट शीट में हम बारकोड किस तरह से इंसर्ट करेंगे। विद्यार्थियों की मार्कशीट में बारकोड कैसे इंसर्ट करेंगे ये जानने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाने से आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट और आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आपको विद्यार्थी का रोल नंबर दिख रहा है, इसके स्थान पर हम बारकोड इंसर्ट करेंगे। तो बारकोड इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर बारकोड 39 ऑटोमेशन फॉन्ट टाइप कर सर्च कर लेना है और जो वेबसाइट आती है आईडी ऑटोमेशन फ्री कोड 39 बारकोड फॉन्ट आईडी ऑटोमेशन इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने पर आपके फॉन्ट डाउनलोड हो जाएंगे। जो आपने फाइल डाउनलोड की है, फॉन्ट फाइल डाउनलोड की है, वह जिप फॉर्मेट के रूप में होगी। इस फाइल को फोल्डर में ओपन कर इसे अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद itautomation.com फ्री फॉन्ट 39 फॉन्ट इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे और इसमें आपको दो तरह के फॉन्ट दिखाई देंगे। आपको इन दोनों फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके इन दोनों फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेना है। जब यह दोनों फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको आपकी एक्सेल रिजल्ट शीट पर जाना है और यहाँ पर जो शो बारकोड ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे क्लिक करना है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विद्यार्थी का रोल नंबर लिखा हुआ था वो बारकोड के रूप में चेंज हो जाता है। इस प्रकार हम कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं की विद्यार्थियों की मार्कशीट में बारकोड इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।